हाँ जी, यूपी के टेट 2024 का एग्जाम भी दिया था, फर्स्ट राउंड का रिजल्ट भी आ गया, लेकिन यार कॉलेज नहीं मिला इतना अच्छा रैंक होने के बावजूद भी। क्या सेकंड राउंड में कॉलेज मिलने के चांसेस हैं या फिर कुछ और करना पड़ेगा? सेकंड राउंड का काउंसलिंग कैसे करना, काउंसलिंग कब शुरू होगा? तमाम प्रकार के सवाल यूपी के टेट 2024 का एग्जाम देने वाले एस्पिरेंट्स के माइंड में आ रहे हैं। आज सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सो वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर YouTube चैनल एग्री कैपिटल। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको इसी YouTube चैनल पर देखने को मिले। जैसे ही आप यूपी के टेट 2024 के ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे तो ये इंटरफेस खुल के आपके सामने ओपन होगा। उससे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, व्यू ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल। शेड्यूल बता देता हूं, उसके बाद में हम कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेकंड राउंड का कट ऑफ क्या जा सकता है, क्या फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड के कट ऑफ के बीच में बहुत ज्यादा अंतर रहेगा, या फिर हमने अपग्रेड किया है तो हमारी शीट चेंज होगी या नहीं होगी। सारी बातें आज के इस वीडियो में आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। देखो, फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आपका आ गया है, रिपोर्टिंग का टाइम भी आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आपका सेकंड राउंड का काउंसलिंग है, 10 से 11 तारीख से शुरू होगा। 10 से 11 तारीख तक आप काउंसलिंग कर सकते हैं, 10 और 11 तारीख को। उसके बाद में चॉइस फिलिंग है, वो 11 और 12 तारीख तक आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका जो सीट आवंटन एंड परिणाम होगा डिक्लेयर, वो 19 अगस्त को डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब उससे पहले एक चीज बता दूं, आपने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग किया है, आपको कॉलेज नहीं मिला, आपको लग रहा है यार सेकंड राउंड में क्या कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसके लिए हमने हमारा मेंटोरशिप है वो लॉन्च कर दिया है। सेकंड राउंड थर्ड राउंड के लिए हमारा ₹499 फीस है, जिसमें हम कंप्लीट काउंसलिंग आपको सीरियल वाइज करके देंगे। अगर आपको लग रहा है कि फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ है तो आगे के लिए बेटा रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक राउंड में आपने रिस्क ली, ₹500 दिए, तो यार लग रहा है कि क्या पता यार अगले राउंड में हो जाए, तो उसके लिए आपको बेस्ट चॉइस प्रेफरेंस की जरूरत है और एक अच्छे कॉलेज, एक अच्छे गाइडेंस की जरूरत है, तो आप हमारा पेड काउंसलिंग है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट काउंसलिंग का प्रोसेस है वो हम आपको करके देंगे, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं आपके कट ऑफ के साथ में कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो बता दूं कि जो पहले राउंड में मिला ना, उससे बहुत ज्यादा नीचे आएगा। आपको बहुत सारे लोग बता रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, तो मैं बता दूं आपका लगभग 300-400 रैंक कट ऑफ गिरेगा, देख लेना। ये आप थर्ड राउंड तक आपको 300-400 रैंक तक कट ऑफ गिरने को मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट राउंड में आपको पता होगा कि जब आपको कॉलेज अलॉट होता है तो उसके बाद में आप जब देखते हैं ना अलॉटमेंट रिजल्ट, एक मैं एक चीज बता देता हूं आपको कि यहां एक नोटिस है काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन से लिए वैकेंट। सेकंड ये देखो, वैकेंट सीट अवेलेबिलिटी फॉर फर्स्ट काउंसलिंग के लिए कितनी सीटें अवेलेबल थी उसके बारे में। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कितनी सीटें भरी है। कभी भी 100% सीट फर्स्ट राउंड में नहीं भरती है और सारे बच्चे सीट लेते भी नहीं है, तो उसकी वजह से काफी बच्चे अपग्रेडेशन में भी डालते हैं, तो बहुत ज्यादा कट ऑफ में चेंज होगा। और अच्छे से काउंसलिंग करो, डेफिनेटली आपको कॉलेज मिलेगा, बहुत सारी सीटें, लास्ट राउंड तक वेट करोगे तो उसमें वैकेंट भी रहेगी, ये चीज ध्यान रखना। किसी भी बच्चे को जल्दबाजी मतलब ऐसे हड़पने की जरूरत नहीं, हमारा क्या होगा क्या नहीं, भाई अभी दो राउंड और बचे हैं, फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। सेकंड राउंड का काउंसलिंग अच्छे से करो, अच्छे से करने के लिए हमने हमारा पेड काउंसलिंग है वो लॉन्च कर दिया है, ज्वाइन कर लो, डेफिनेटली आपको अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया, और भी किसी चीज से रिलेटेड वीडियो चाहिए यूपी कैडेट से तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, क्योंकि मैं काफी टाइम से यूपी कैडेट का वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहा, आईसीआर का बहुत ज्यादा कंटिन्यू सेशन आप देख रहे हैं, उसके अलावा राजस्थान में स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं राजस्थान हरियाणा में, थोड़ा उनमें बिजी होने की वजह से आपके साथ में कंटिन्यू वीडियो नहीं ले पाया हूं। अब कंटिन्यू आपके साथ में वीडियो आएंगे, मिलता हूं जल्दी एक नए वीडियो और नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल, माई चौधरी बीएचयू के साथ। थैंक यू वेरी मच।